सबसे पहले ऋषि के आधार से उस नक्शी मोहम्मद को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मंशा से एक नक्श बनाया जिस पर मोहम्मद नक्शी मोहम्मद को बनाया। हम उसी नक्शी मोहम्मद से रोशनी मांगकर एक रोशनी के उसे से पूरी कायनात को और मकान को सजाया है। बोला क्या आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान सबसे पहले नबी वहां से दायरा नबूवत तक शुरू होता है, वहां से दायरा नबूवत शुरू होता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर दायरा नबूवत खत्म होता है और हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, खातमुन नबी, नबूवत पर मोहर लगाने वाले। अब उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, वो नबी पूरे दायरा नबूवत के मरकज है, सर्कल के मरकज दायरा नबूवत है, वो पूरा सर्कल है। आदम अलैहिस्सलाम से दायरा नबूवत शुरू होता है, चलते 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 हजरत ईसा पर खत्म होता है। अब मैं और आप जो सबूर पढ़ते थे, मुझे आपके उस्ताद कहते थे, टीचर ये कहते थे बेटा आपको एक दायरा सर्कल बनाना है, मैं और आप एक पेन उठाते थे, प्रकार प्रकार की तरफ लगाते थे पेंसिल और वो दायरा बनाने के लिए जो कापी पर हम उस प्रकार को रखते थे एक उसकी नोक से एक नुकता बन जाता है, लेकिन वो नुकता जिसका वजूद हो चुका लेकिन अभी वो नजर नहीं आता, वो नजर तब आएगा जब हम सर्कल को मुकम्मल कायम और प्रकार को उठाएंगे। अब इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे पहले वजूद हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन जो नबी जब वलाद रुपए की गुनाह हो कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी बानी और गाय के दरमियान में बाइनल नार और बाइनल रूह पर जिस दूसरे हदीस है बाइनल रूह पर जिस अभी रूह और जिस्म के दरमियान में एक हदीस है बाइनल नार और तेल जब पानी और गाय पानी और मिट्टी के दरमियान में देरी आ गया आदम अलैहिस्सलाम जब तकलीफ की हुई थी कौन को नबी जब मैं उस वक्त नबी बन चुका मैं उस वक्त नबी था मैं उस वक्त नबी था। इस बात को समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूं कि आपको ये कैसे समझाएगा कि नबी आप हुजूर अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले नबी थे। हालांकि हमारा जहन ये कहता है कि सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम लेकिन वजूद के एतबार से सबसे पहले नबी जो हुजूर अलैहिस्सलाम सूरह यासीन को लीजिए आदिस बात में अंदर रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तकदीर से हजारों साल पहले इसकी तिलावत फरमाई यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिन अल मुरसलीन इन्ना का बेशक आप किसको बोल आप कहते जो हाजिर उस वो उस नहीं है बल्कि इन्ना का भाव कि आप मुरसलीन पैगंबरों में से बेशक आप पैगंबरों में से है। ये कब कहा गया जमीन और आसमान की तकदीर से पहले वो एक रसूल आप अलैहिस्सलाम मौजूद थे उनका वजूद था इसलिए जमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन तो नबियन वलाद बाइन अल मार व दीन आप आई सलाम को सलाम अब ये बात समझिए कि जब हमने बलगार को दबाए जो ढोकता कहा वही आप आई सलाम को सलाम अभी दायरे नबूवत अभी पूरी दुनिया का सर्कल बनना ही था तो बनने से पहले एक मोटा वजूद में आता है पूरे दायरे का मरकज हुआ करता है पूरे दायरे का जो सेंटर है मरकज है उस मरकज को यहाँ से यहाँ यहाँ को यहाँ से यहाँ यहाँ को यहाँ से यहाँ नीचे ऊपर के बराबर आता है ये मरकज होता है पूरे सर्कल का। अब आदम अलैहिस्सलाम से दायरा नबूवत शुरू होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ये खत्म होता है आदम अलैहिस्सलाम का दायरा नबूवत शुरू होते 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 हजरत ईसा पर खत्म होता है। अब हमारा दस्तूर क्या है कि जब दायरा खत्म होता है हम प्रकार को उठाते हैं। अब मेरे और आपका ये यकीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जुदाई तौर पर मौत नहीं आई वरना तुम्हारे पता ने उनको अर्श पर उठा दिया। ये कुरान कहता है कुरान में अल्लाह तआला के द्वारा ने फरमाया कि मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अर्श पर उठा दिया जिंदा उठाया है। ये मेरा और आपका अकीदा है जब जहां पर दायरा नबूवत खत्म होता है
अल्लाह तआला को ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अर्श पर उठाया। उठाने के बाद जो सबसे पहले जिस मुद्दे का वजूद हुआ था हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा के बाद जो नबी आते हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, क्योंकि पूरे दायरे नबूवत के जो मरकज है हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वजूद के एतबार से और वजूद के एतबार से सबसे आखिरी नबी। इसलिए इस पूरी कायनात को हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ही बनाया गया। अब उसी नबी को